रिपोर्ट यहाँ पे, अभी अभी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है। ओ माय गॉड, रहीम एक और वीडियो के साथ आपका मेजबान नजर अली हाजिर है। आज हम एक ऐसे गांव की तरफ जाएंगे, गंगस्तर नाम है उस गांव का, और जो कि आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं काफी ऊंचाई पर मौजूद है, और हमारे जो बाइकर्स हैं बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, पुराजम है, और चार बाइक हम लेके जा रहे हैं, तो काफी अच्छे होने वाली है वीडियो और काफी ऊपर तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। सफर सही चल रहा है अभी तक? बहुत अच्छा सफर चल रहा है, हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी तक, बहुत जबरदस्त है, और हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम तीन चार मोड़ क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, खुली डीली तो है लेकिन यहाँ पर रोड काफ़ी हाइट पर है और काफ़ी मोड़ हैं, तकरीबन नीचे जो मेन रोड से ऊपर गांव तक तकरीबन 100 मोड़ आते हैं, ये आप मोड़ देख सकते हैं, काफ़ी ख़तरनाक मोड़ भी हैं, और यहाँ पर सिर्फ 1-5 बाइक ही चल सकती है, बाकी दूसरी बाइक निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। यही 1-5 भी काफ़ी गर्म हो रहे हैं हमारे बाइक भी, तो हम आराम आराम से जा रहे हैं, तो अभी हमारा आधा रास्ता बाकी है, तो ये रोड बड़ी ख़तरनाक रोड है, नीचे अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डर भी लग रहा है, और ये सरफरंगा डिज़र्ट का व्यू भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नाजरीन, हम हाफ रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरी चढ़ाई हम चढ़ के आए हैं, तो बाइक वगैरह भी काफी गर्म हो गए हैं, ये बाइक एक और बाइक यहाँ पर फंस चुका है, और ये मुमताज भाई का बाइक आकर निकल चुका है। अच्छा, उसके अलावा ये देख सकते हैं हमारा एक बाइक यहाँ पर फंसा हुआ है फिलहाल। क्योंकि काफी चढ़ाई थी, आप देख सकते हैं खुद, काफी खतरनाक चढ़ाई यहाँ पर है, और ये पूरा चढ़ाई अभी मजीद हम आगे, ये पूरी चढ़ाई चढ़ के आगे जाना है, ऊपर जो टॉप नजर आ रहा है ये, अच्छा इस पहाड़ी का यहाँ इसके पीछे ये गांव, तो यहाँ पर आप भी उसके साथ व्यू देख सकते हैं, काफी खूबसूरत व्यू, ये आप खरपुच फोर्ट का व्यू देख सकते हैं, और उसके साथ ये सरफरंगा कोल्ड डिजर्ट भी आप देख सकते हैं, पूरा कोल्ड डिजर्ट आपके सामने है दरिया सिंध में, तो काफी खूबसूरत मनाजिर यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ साथी पहुंचे हैं और हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, क्योंकि काफी चढ़ाई थी तो बाइक यहाँ पर नहीं निकल रहे थे पत्ती तरफ। हमने स्वागत पहुंच चुके हैं नाजरीन गांव में, देखें हमारे बाइक वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ओह, हालत काफी खराब हो गई है इनकी, यहाँ पे हम आरएम के पास जाते हैं, इसके तो हालत बहुत टाइट हो गई, और ये यार भाई की अच्छी हालत फिलहाल तक के लिए। तो नाजरीन सफ़त गंगस्तर हम पहुंच चुके हैं, ये काफी तकरीबन 100 से ऊपर मोड़ थे, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर पे ऊपर ये विलेज वाकई है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ पहाड़े हैं, और
बीच में एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव। अच्छा, तो ये रास्ता है, यहाँ से हम जा रहे हैं और काफी हमें मुशक्कत करनी पड़ी क्योंकि तकरीबन 100 मोड़ थे, 100 मोड़ क्रॉस करके हम निकले हैं यहाँ पर इस गांव में। और ये काफी पुरसकून गांव है क्योंकि सिटी से बहुत ही काफी दूर ये गांव वाकई है, इसलिए यहाँ का जो माहौल है काफी पुरसकून माहौल है। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद वहाँ पर हम कुकिंग भी करेंगे क्योंकि पूरा सारी सामान हम लेकर आए हैं इस गांव में, क्योंकि ये छोटा सा गांव है और यहाँ पर ये चीज़ें कोई दुकान वगैरह भी यहाँ पर नहीं, इसलिए हम सारी चीज़ें लेकर आए हैं ताकि हम खुद कुकिंग कर सकें। शिंगाई। अच्छा, ये जड़ी बूटी है, यहाँ पे काफी है। की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, ये आसपास देख सकते हैं काफी खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलेगा, काफी जंगल बना हुआ है और उसके साथ रास्ता बिल्कुल जंगल के बीच से रास्ता, ये ग्लेशियर का पानी भी आप देख सकते हैं। थकन भरा रास्ता था लेकिन हम क्रॉस करके निकल चुके हैं और ये खूबसूरत मनाजिर आप देख सकते हैं, बिल्कुल चश्मे का पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत सिनेरियो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। और हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे कुछ साथी थे वो पहले से पहुँच चुके हैं वहाँ पर, खाने के इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम भी ऊपर की तरफ जाते हैं और अब काफ़ी थक भी चुके हैं और काफ़ी भूख भी लग रही है क्योंकि काफ़ी सफ़र हम तय करके आए हैं, तो हम जाते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पे खाना बना रहे हैं और खाना तैयार हुआ है या नहीं। तो हमारे साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, खाना बिल्कुल बन रहा है और कुछ साथी यहाँ पर थक के बैठे हुए हैं और दूसरे साथी यहाँ पर एक तरफ टिक्का बन रहा है ये, और दूसरी तरफ यहाँ पे कढ़ाई तैयार हो रही है। तो काफ़ी टॉप पर ही पहुँचे हम लोग और यहाँ से देखें जी काफ़ी खूबसूरत मनाजिर आपको भी नजर आ रहे हैं।